क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ चुका है आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। यहां से देख लीजिए, आपको सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। यहां से देख लीजिए, ये चाहे लेटर पत्र हो, चाहे क्वेश्चन आंसर की बात हो, ये सब कुछ मिलेंगे, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे पोस्टर हो, सब कुछ मिलेगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। ये आपका यहां से इतना करना है, ठीक है। आंसर पूरे भर दिए हैं ताकि आपको कम समय में सारी चीजें मिल जाए। यहां से ये दूसरे का हो जाएगा 10th तक। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका क्या है, नोट्स और मेकिंग नोट्स है, टाइटल है, समरी आपको देनी है, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भैया। अब यहां तक के लिए आप क्या करिएगा, मैं आपको एक साथ ही, ठीक है, ये तो पेपर है जो है, पर एक साथ आप यहां से स्क्रीनशॉट लो पहले तो। आप सबसे पहला काम ये करो आप, ठीक है, यहां से, क्योंकि यहां पर दिया गया राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये देखिए, आई होप थोड़ा समझा देता हूं, ये तो आपको ऊपर का तो कर लोगे। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। आई हियर्ड अबाउट यूर सक्सेस ऑफ क्लास 12th, यहाँ पर 11th कर लेना। आई होप, मुझे आशा है तुम ठीक होंगे और अच्छे होंगे। अबाउट, आई हियर्ड, मैंने सुना। अबाउट यूर सक्सेस इफ ऑफ क्लास 11th, नाउ यू आर गोइंग टू एंटर ए न्यू एरिया, ठीक है। आप क्या करो, 12th लिख देना भले, एंटर यू न्यू एरिया, एक नए क्षेत्र में आप जा रहे हो, दोस्तों को कह रहे हो आप, दिस इज द एज ऑफ कॉम्पिटिशन, ये जो उम्र है वो है प्रतियोगिता की, कॉम्पिटिशन की। एंड आई एडवाइज यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, डेट यू शुड प्रिपेयर इंग्लिश एंड जर्नल नॉलेज, तुम जर्नल इंग्लिश और जर्नल नॉलेज का क्या करना, तैयारी करना। एज वेल एज माई, एज वेल एज आई ट्रस्ट यू, साथ ही, ठीक है, जैसे साथ ही साथ आई ट्रस्ट यू, मैं, मुझे भरोसा है, डेट यू विल सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, साथ में मेरे को भरोसा भी है कि तुम, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आराम से कवर कर पाओगे, ठीक है। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से तुमको क्या शुभकामनाएं है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। थोड़ा छोटा कर दू ना, ठीक है, ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया इतना, यहां से देख लीजिए। चलिए, पूरी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है भैया। इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा, ये करना है आपको, ये ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको, ठीक है, वार्षिक में भी अच्छे से तैयारी करने में मदद करेगी, चाहे आप 11th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है, जो अच्छी लगे, जितनी एप्लीकेशन आपको अच्छी लगे। पेपर में तो वैसे बता ही रहा हूं मैं, पर मेरा उद्देश्य ये कि आपको पूरी चीजें प्रोवाइड करा दो, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है भैया। यहां से हो गया, ये देख लीजिएगा, मैरिज वाला लेटर है, मैरिज के बाद में यहां से देख लीजिए, लाउड स्पीकर वाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली एप्लीकेशन है, देख लीजिएगा, ये बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, है ना, अच्छे से तैयारी करो। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, समर वेकेशन का लेटर है, ये हो गया, इसके आगे देख लीजिएगा, जीके वाला है, ये दो तरीके से जो पहले समझाया था वही है ये, ठीक है। यहां से देखिए, समर वेकेशन हो गया, इसके बाद में लाउड स्पीकर है, हो गया। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, ये डबल से हो गया रिपीट, और ये अंत में आपकी बुक बैंक वाला है, ये यहां से कर लेना कंप्लीट है। चलिए अब सेक्शन सी को देख लेते हैं अपन, ये पूरी चीज आपको मैंने बता दी है ना। चलिए यहां से देख लीजिएगा, एफ यू आ जाएगा, दूसरे में आपका क्या जाएगा यहां पर, ठीक है, हैज बीन, जो जो आप तो स्क्रीनशॉट लो तुरंत, ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको, जितनी चीजें आप कवर कर लोगे अच्छे से। यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 हो गया है, 9 हो गया है,
ठीक है, यहां से देखिए, ये 10 हो गया, यहां से देख लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, 13, 14, 15, आप ऐसा करिएगा, यहां से देख लीजिए, ये 11th का आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, हिंदी की, इन्हीं में से आपका एकदम ओरिजिनल पेपर आएगा, है ना, ये प्रश्न हो गए इतने। इसके बाद में यहां से अलग अलग तरीके से बता रहे हैं ताकि एमपी बोर्ड, ठीक है, आपका काम भी हो जाए और हमारा भी काम हो जाए, समझ गए आप बात को, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा पूरी चीजें, ये देख लीजिएगा, ये फॉर्मल लेटर वाला देख लीजिएगा, अभी जो मैंने बताया उसमें सब कुछ था उन्होंने, है ना। चलिए इसके बाद में ये यहां से है, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, ठीक है। चलिए नोट, नोटिस मेकिंग वाले में इसमें आपको इतना सा करना है, डिबेट कंपटीशन वाला करना है, स्कूल बैग वाला करना है, एडवर्टाइजमेंट में करना है इतना, और ये अंत में आपका ये पोस्टर हो जाएगा ड्रग्स वाला, ठीक है, और डोंट बी क्रूल एनिमल्स वाला करना है, यहाँ से देखिए बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए तो ये मैंने आपको आज जो पेपर बताया है वो बताया है आपका 11th का, ठीक है, कौन से क्लास का बताया है, 11th का बताया है, ठीक है, 11th का सेट ए बताया है। थोड़ा सा सुन लीजिए आप, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये रहा सेट बी, सेट बी भी आपका दिया जाएगा, पर जो मैं खास तौर पे कह रहा हूँ आपको, एक तो आपको ज्यादा पछने की जरूरत नहीं, जितने एनसीपीसी कवर हो रहे कर लो, यहाँ से जो मैंने आईएमपी बताए ये सारे कंप्लीट कर लेना है, साथ में आपको उसमें पोस्टर वोस्टर सारी चीज दी है, और इतना जितना मेरे पास सोल्यूशन था ये सब कुछ सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको, है ना, वार्षिक परीक्षा के लिए, ध्यान से सुन लेना, वार्षिक परीक्षा के लिए 4 पेपर दिए जाएंगे, कितने पेपर, 4, 4 ही बड़ी रिसर्च के बाद दिए जाएंगे। आप क्या करो, पहले चारों को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके बाद में अलग से पढ़ो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं यार इनको ही पढ़ेंगे हम, क्या यार हम फेल हो जाएंगे, तो पहले आप ऐसे समझो कि इंपॉर्टेंट चीजों को पहले पढ़ लो, सीधी सी बात है, जब इंपॉर्टेंट पढ़ लोगे तो बाद में नॉन इंपॉर्टेंट भी पढ़ना।